नमस्कार, मैं कल्पिता आप सभी को कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिल्वर कर्टेन DIY। ये मैंने कैसे बनाया है, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे DIYs आर्ट क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पहले से देख रहे हो और आपको ये मेरा काम अच्छा लगा तो ज़रूर एक थम्सअप दे दीजिए, क्योंकि यही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ नए नए DIYs लाने के लिए। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये मेटलिक कर्टेन बनाने के लिए मैंने लिया है गिफ्ट रैप करने का पेपर। मैंने टोटल 5 पेपर लिया है और लिया है एक सेलो टेप और सीजर। पहले मैंने ये जो पेपर देख रहे हैं आप लोग, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया सेलो टेप की मदद से। 3 पेपर मैंने लगा लिया है। मुझे और एक लगाना है इस साइड में, मैं लगा दूंगी और एक पेपर। देखिए, 4 पेपर लगाने के बाद ऊपर का साइड में मुझे फोल्ड करना है। ये साइड ऊपर रहेगा, इसमें मैंने 2 इंच जैसा फोल्ड करके ये पूरा जो रेड लाइन दिख रहा है आप लोगों को, इस लाइन पे मैंने सेलो टेप लगा दिया है। अभी मैं एक दूसरा पेपर ले रही हूँ, ये 5th नंबर का पेपर है। पेपर को मैंने 2 पार्ट में काट दिया है और उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया। अभी दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया बीच में से। देखिए, सेलो टेप लगा के ये दोनों पार्ट को लगा दिया है। दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया है सेलो टेप लगा के, ऐसे लंबा करके। उसके बाद मुझे अभी ये जो ब्रेथ है इसका पेपर का, ये ब्रेथ में भी पूरा लगाना है सेलो टेप। ये पेपर कट करके मैंने जो स्ट्रिप बनाया है, ये स्ट्रिप मैं लगा के दूंगी अभी कर्टेन का ऊपर का हिस्सा में। ये देखिए कि मैंने अभी जो सिल्वर साइड है इसको ऊपर कर दिया है। और अभी मुझे करना क्या है, ये जो पेपर है, पेपर को मुझे नीचे से रोल करके लाना है ऊपर तक। ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको रोल कर लिया है। और रोल करने के टाइम बहुत ही अच्छे से रोल करना चाहिए ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। मैंने रोल करके इधर तक छोड़ दिया है, ऊपर का जो 2 इंच था वो मैंने छोड़ दिया है। मुझे अभी ये ऊपर का एरिया छोड़ देना है, ऊपर तक रोल नहीं करना है। मैं एक कैंची लेके ऐसे, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे करके काट करके गई। काट करने के टाइम बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ही पतला है, अगर कहीं इधर उधर लग जाएगा तो पेपर कट हो सकता है। पेपर कट करने के टाइम और एक बात का ध्यान रखिए कि पेपर अच्छा से कट होना चाहिए। जो भी लाइन आप कट रहे हो ये अच्छा से कट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बीच बीच में रह जाएगा। ये आपको फिर बाद में खोलने के बाद दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छा से नहीं कट हुआ है पेपर को। देखिए, मैंने अभी फोल्ड खोल दिया है जो भी फोल्ड करके रखा था, और इसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद कर्टेन ऐसा दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे रखा है, ये कर्टेन को यूज़ करने के बाद। पहले मैंने इसे फोल्ड कर लिया, 4 फोल्ड कर लिया। उसके बाद एक न्यूज़पेपर ले लिया और न्यूज़पेपर में ही मैंने इसको रैप कर दिया। इससे आपका ये टूटने का चांस भी नहीं रहता है जो स्ट्रिप काट करके रखा है, और ये अच्छा से रहेगा, नहीं तो ये पूरा इधर उधर लग सकता है। ठीक है, ऐसे करके इसको घुमा घुमा के मैंने पूरा एंड तक लेके गई। मेरा फोल्ड करके हो गया है, ये फोल्ड हो गया है, और इसको अच्छे से एक बैग में रख दिया। देखो, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए जो भी आप लोगों का पार्टी आ रहा है। ठीक है, अगले बार फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।